Thank you. नहीं 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 नहीं, आराम से आराम से। मैं फिर से उसके हॉर्मोन्स अट्रैक्ट होने लगी हूँ। ओह गॉड, कहीं मैं कुछ करना बैठूं, क्या करूं? हेलो, टेबल पर जो फाइल है। हाँ, क्या हुआ? उसे मेरे पास ले आओ। हाँ, कम इन। तुम्हारा पहले दिन का काम कैसा रहा? हाँ, अच्छा ही था। तुम्हें कुछ चाहिए था मुझसे? तुम्हारी नाक को क्या हुआ? मुझे सर्दी है ना, मैं नहीं चाहती किसी और को हो, इसीलिए बंद कर दी। थकी हुई हो तुम? पूरा दिन परेशान रहोगी, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं रुको, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ठीक है, काफी मेहनत करती हो तुम। अरे नहीं नहीं, मैं तो और मेहनत कर सकती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी अगर मुझे साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करने को मिले तो। तुम रिसर्च? हाँ, मेरा बचपन से सपना था कि बड़ी होकर साइंटिस्ट बनूं। तो क्या तुम मुझे और ज्यादा काम दे सकते हो जो साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो? ठीक है, मिस्टर हान से कह दूंगा। सच में? बहुत बढ़िया, तो मैं वापस अपनी सीट पे जाऊं? रुको, यहाँ तुम्हारा पहला दिन है काम का, इसलिए हम डिनर पे चलेंगे। डिनर? ठीक है। क्या देख रही हो तुम? तुमने तो कहा था हमें छुप छुप के मिलना होगा, अब अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? अब तुम मेरी एम्प्लॉई हो, एक बॉस एम्प्लॉई को खाने पे ले जा सकता है। तब तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। देख रहा फांगलिंग, तुम चलो, मैं आती हूँ। What a coincidence, मिस जियांग यहाँ है। तुम यहाँ? इनके साथ कैसे? शाओची अब मेरे लिए काम करती है। मैं मिस्टर फांग की सेक्रेटरी हूँ, यहाँ मुझे डिनर पर लेकर आए थे, कोइंसिडेंस है आप यही मिल गई। सेक्रेटरी? हाँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मिस चाय के रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करती थी क्या?
और इतनी जल्दी मिस्टर फांग की सेक्रेटरी बन गई? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ इनके लिए काम करती हूँ, आप गलत मत समझिए। अब हम दोनों को चलना होगा। एक मिनट रुको, यहाँ आने के लिए मैंने किसी से लिफ्ट मांगी थी और इतनी रात को मुझे कोई कैब भी नहीं मिलेगी। मुझे ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सुना है आजकल तुम अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो, क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, और ऐसा क्यों? एग्जीबिशन के रिगार्डिंग मैं तुम्हारे ऑफिस आई थी, लेकिन पता चला तुम वहां हो ही नहीं। बट कोइंसिडेंस, आज हम यहाँ इस तरह मिले। कैसा था एग्जीबिशन? अच्छा था, पर तुम्हारे बिना अधूरा था। तुम्हें याद है तुम्हारे मॉम डैड मुझे पसंद करते हैं ना? तो ये बात है। उस दिन जब तुम हमारे घर आई थी तो मेरे डैड का वो मतलब नहीं था। इतना सीरियस क्यों हो? आई एम जस्ट किडिंग। वो चाहते हैं मैं तुम्हारी वाइफ बनूं, तो इसमें प्रॉब्लम भी कौन सी है? क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। मिस जियांग, आपका आज रात का क्या प्लान है? कुछ नहीं, तुम बताओ। मुझे कुछ बात करनी थी। ओके, लेकिन पर छोड़िए, पहले मैं इसे वापस छोड़ आता हूँ। बाय मिस यांग। खड़ूस आदमी, इतनी पसंद है वो तो गर्लफ्रेंड मुझे क्यों बनाया? छोड़ो यार, बेकार है ये सब। आप सच में यहीं रहती हैं क्या? बिल्कुल, हमारी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमारे जैसे लोग बंगलों में ही रह सकते हैं क्या? यहाँ का माहौल अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। और यहाँ किसी बात की रोक टोक भी नहीं होती, ये मेरे लिए अच्छा है। हाँ, पहले मैं गलत सोचता था। शायद मैं भी। खुश और अलाइव मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, ऐसे समझ आया तुम्हें? अलाइव? वैसे तुम कुछ ज़्यादा सच्चे लगते हो अपनी सेक्रेटरी के सामने। वो बस मेरे लिए बहुत नई है, इसे गलत मत समझना। ठीक है, तुम क्या बात करना चाहते हो? मुझे उम्मीद है कि आप उस हमारी ब्लाइंड डेट को भुला देंगी। व्हाई? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, तो आप भी अपनी फीलिंग्स वेस्ट मत करिए। सॉरी फांगलिंग। ये बात इतनी अचानक क्यों बोल रहे हो? क्या कोई परेशानी चल रही है तुम्हारी फैमिली में, या कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस आपके लिए वैसा फील नहीं करता। क्या फर्क पड़ता है हमारे बीच प्यार नहीं है, बिजनेस तो है। Thank you.
हूँ।